साथियों नमस्कार। आज मैं अपने वर्टिकल गार्डन, जो हमारा टेरेस गार्डन है, उसमें कुछ नया दिखाने जा रहे हैं। हमने सितंबर में कुछ गुलदावरी के पौध लगाई थी, जो अपनी आजकल छटा बखेर रही हैं। गुलदावरी, जिसके नाम में ही गुल है, तो वो अपना गुल क्यों नहीं दिखाएगी। देखिए कितनी सुंदर है गुलदावरी के ये प्लांट्स। ये देखिए, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, कितनी सुंदर खिल रही है ये गुलदावरी। इसके साथ बैठकर बड़ा शांति मिलती है और पॉजिटिव विचार आते हैं। इन्हीं के बीच में बैठ के कुछ संरचनात्मक कार्य हम कर सकते हैं। तो ये मैंने दिखाया आपको कि गुलदावरी के गमले जो हमने ये रोपित किए थे सितंबर माह में, 2 महीने पहले लगभग। साथ ही इसी के बीच में हमने एक ये टब, प्लास्टिक के टब में पानी भर के और उसमें थोड़ी खाद मिला के ये जलपरी जो कि जल की परी है, ये बड़े आसानी से मिल जाती है। इसके डाल दिए, बड़ी तेजी से बढ़ती है, एक उसी दिन में फैल जाएगी इस पानी में। और एक ये बीच में जो पाइप देख रहे हैं आप, ये बेकार पड़ा था। इस पाइप के अंदर हमने कुछ खाद और कुछ पत्थर भर के इसका पोल बनाया। इसमें ऊपर की तरफ ने मनी प्लांट लगा दिया, ये देखिए मनी प्लांट। और ये मनी प्लांट, इसके ऊपर एक ही सोलर लाइट लगा दी। ये रात में, दिन में चार्ज होती है, रात में 5 रंग ये बिखेरती है इन पौधों के ऊपर। और ये देखिए सीजनल प्लांट, कुछ हमारे जो अभी खिलने वाले प्लांट हैं, बड़े अच्छे खिल रहे हैं। ये देखिए, ये भी हमने लगाए हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने इसमें बनाया। हमें अपने टेरेस गार्डन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिसमें नयापन आता रहता है। तो ये देखिए, एक छोटा सा गुलदावरी का गार्डन, जिसमें जलपरी और हमारे कुछ सर्दियों के फ्लावर्स के गमले रखे हैं, सोलर लाइट है, मनी प्लांट है, बड़ा सुंदर लुक ये दे रहे हैं। देखिए और ये सब हमने कुछ पौध नर्सरी से ला के लगाई थी, तब छोटे छोटे थे, लेकिन अब एकदम से खिल के ये गुलदावरी अपनी छटा बिखेर रही है। बड़े सुंदर सुंदर तितलियाँ इनके ऊपर आती हैं और शाम को अपनी छटा बिखेरती है सोलर लाइट। और इनके साथ ये हमारी जलपरी, हमारी गुलदावरी, मनी प्लांट शाम को बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुराते हैं, और जिससे हमें भी खुशी मिलती है। थैंक यू साथियों।